ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है, उस महामंत्र का जप कैसे करेंगे और उसका क्या फायदा मिलेगा बताऊंगा। इसके बाद पंचांग की क्या स्थिति है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रमा किस राशि पर होगा, कौन सा योग है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, सारी चीज आपको बताएंगे। 12 राशियों के बारे में बताएंगे, गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदिन उनके भी बारे में बताऊंगा, प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। यह जो महामंत्र है यह संकट मोचन हनुमान जी का है। यदि आप इस मंत्र का समर्पण भाव से जप करते हैं तो संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पर बरसेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको लगता है कि आप शत्रुओं के बीच में घिरे हुए हैं, आपका कोई कार्य बन नहीं पा रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, मैट्रिमोनियल लाइफ में दिक्कत आ रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है और आप शत्रुओं के बीच में घिरे हुए हैं, तो इस महामंत्र का जप करें। कैसे करेंगे? लाल चंदन के माले से इस महामंत्र का जप करें और इसके साथ ही साथ क्या करें कि केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें और लाल चंदन के माला से एक माला तीन माला नियमित जप करें। कम से कम 11 मंगल 21 मंगल अगर आप करते हैं तो आपको अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि यदि आपकी मंगल ग्रह की दशा चल रहा है और मंगल आपके लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे परिस्थिति में इस महामंत्र का जप करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 9 मई 2023, दिन है मंगलवार, सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:34 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7 बजे, चंद्रोदय होगा सुबह 11:07 पर, आज चंद्रास्त होगा सुबह 8:13 पर, चंद्रमा रहेगा धनु राशि में, कृष्ण पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र है, सिद्धि योग है। आज का जो शुभ मुहूर्त है प्रातः 11:50 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहेगा। राहु काल है 3:39 से लेकर के सायंकाल 5:20 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आज आपको ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना है, बचना है। राहु काल में कोई भी कार्य न करें और शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, जिस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की जो 12 राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कौन विदेश जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन अधिवक्ता बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन ग्रंथकार बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, सारी बातें बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक है आज का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, शुभ कार्यों को होने का पूर्ण युग चल रहा है, इच्छित कार्य संपन्न होगा, घर बनाने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, चतुर्दिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा, नए व्यापार का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा अच्छा कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर है, आज आपको नई नौकरी मिल सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दें। उपाय क्या करना है, लाल चंदन का तिलक लगाएं, सूर्य की आराधना करें और भगवान शिव को जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है केसर कलर, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, रोजगार पर शिक्षा से लाभ मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य का योग बन रहा है, पदोन्नति का प्रबल योग बन रहा है, माली हालत अच्छी होगी और जो भी अभी तक आपने कार्य किया है उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी, उससे मन प्रसन्न रहेगा, लेखन कार्य से धन मिलेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं और परिश्रम से अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है, यात्रा तीर्थाटन इत्यादि से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। सावधानियां क्या बरतनी है, आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें और चंद्रमा को अर्घ दें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं आज आपकी परेशानियां दूर होंगी, माता पिता का सुख मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जो भी अभी तक आपने
एफर्ट किया है उन सारे कार्यों में अपार सफलता मिलेगी और कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य होने का योग बन रहा है। परिवार में नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। परिस्थिति अनुकूल है। पत्नी का सुख प्राप्त होगा। चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार के नए रिस्क न लें। जो भी एफर्ट करिए, पॉजिटिव करिए, आपको सफलता मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी है, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और किसी असहाय को भोजन करावें। गर्मी का मौसम है, चिड़ियों को दाना पानी देना न भूलें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्णा। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि की जातक है, आज आपको सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त होने की संभावना बन रही है। थोड़ा मन पर नियंत्रण करें, गुस्सा बेवजह था, तनाव में रहते हैं, आपने को पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और जो आपकी अपनी ऊर्जा है ना, उसको सही दिशा में लगावें। बड़ी सफलता का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन है, खासतौर से उनके करियर को लेकर के बहुत अच्छा समय चल रहा है, करियर में विकास होगा। खड़यंत्रकारी विफल रहेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने सावधानी ये बरतनी कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगावें और आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना, सम्मी का पौधा रोपण करें और शुभ अंक 8, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक है, आज आपको अपने समय से मेहनत करिए, परिश्रम करिए और आलस्य का परित्याग करिए। नए व्यापार की शुरुआत करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको जो व्यापार होगा उसमें काफी प्रगति होगी, नए तरह की दिशा मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। विदेश में भी नया व्यापार खोलने का अवसर मिलेगा। साहित्यिक जगत से लाभ मिलेगा। एकेडमिक करियर आपका अच्छा होता। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा तो आपको विजय से नहीं मिलेगी। घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। माता पिता का सुख मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। सोच समझ करके किसी कार्य को करने की जरूरत है। आज का दिन आपका शुभ है तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और लाल वस्त्र मंदिर में दान करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग मैरून, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक है, आज आपको लेखन के क्षेत्र से धन मिलेगा। कुछ किताब लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, नॉवेल लिख सकते हैं, कुछ बड़ी साहित्य की रचना कर सकते हैं, उससे आज आपको लाभ मिलेगा। परिस्थितियां अनुकूल है, जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा। मान सम्मान मिलने का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा पर कार्य करेंगे और कुछ नए तरह के कार्य हो सकता है और आपको संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करें, निगेटिव सोच से बचें और पॉजिटिव करें। हरा चारा गौशाला में गाय को दान करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपकी परिस्थितियां अनुकूल है। पिता का सुख मिलेगा। रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। आयात निर्यात का योग बन रहा है। घर बनवा सकते हैं और परिवार में कई शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है जिसकी चिर प्रतीक्षा हो रही है और आज आपको आय के स्रोत से काफी लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार के आय के स्रोत से धन की स्थिति अच्छी होगी। माली हालत सशक्त होगी। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा। पुराने मित्र मिलेंगे। पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिलेगी और बच्चों की हेल्थ को लेकर के चिंता समाप्त होगी। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने आत्मसम्मान को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचे। उपाय क्या करना, चींटियों को आटा खिलावें और चिड़ियों को दाना पानी देना न भूले। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक है, आज आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। उसका प्रबल योग बन रहा है। माली हालत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समाप्त होगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है। भाई बहनों के लिए आज का दिन अच्छा है। नए प्रकार के कार्य करने का योग बन रहा है। इंडस्ट्री लगा सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम चल रहा है। खेल के क्षेत्र में आपको नाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा और खेल के क्षेत्र से बड़े पैमाने पर धन अर्जित करेंगे। गाड़ी घर इत्यादि बनवा सकते हैं। संतान सुख मिलेगा। पत्नी की हेल्थ को लेकर के चिंता समाप्त होगी। सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन एवं वस्त्र दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको बेवजह गुस्सा आएगा। परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं। तो आज आप गुस्से पर नियंत्रण करें और कुछ किताबें लिख सकते हैं। साहित्य सृजन से नाम होगा। कुछ नए तरह के कार्यों से लाभ होगा।
विदेश यात्रा हो सकती है, उसकी प्लान कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी तो स्वास्थ्य पर सावधानी बरतें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें। आज आपका समय अनुकूल चल रहा है, जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा धन लाभ होगा और सावधानी क्या बरतें, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। उपाय क्या करना, असहाय की मदद करें, भोजन करावें, पीली वस्तु का दान करें, चिड़ियों को दाना पानी देना न भूलें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है नारंगी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको बहुत गुस्सा आएगा, गुस्से पर कंट्रोल करें। आज आपको अपने व्यापार में नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ करके कार्य करें, नए व्यापार करने के भी अवसर मिलेंगे, शुभ कार्य हो सकता है, पत्नी का सुख मिलेगा, जमीन एवं वाहन खरीद सकते हैं, रोग और शत्रु परास्त होंगे, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। आज आपको नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा, कुछ पुराने मित्र मिलेंगे जिनके मिलने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अत्यधिक व्यय करने से बचें। उपाय क्या करना है, पुस्तक दान करें, सरसों के तेल का दान करें, अच्छा रहेगा, और हनुमान जी को चोला अर्पित करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में कई महत्वपूर्ण कार्य होगा जो चिर प्रतीक्षित है, शुभ कार्य हो सकता है, घर में नया मेहमान आएगा, मांगलिक कार्य होगा, घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। भाई बहनों के लिए आज का दिन अच्छा है, भाई बहन को सुख मिलेगा, समृद्धि में वृद्धि का योग बन रहा है, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है, खासतौर से करियर के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके करियर में उछाल आएगा, खिलाड़ियों को खेल जगत से लाभ मिलेगा, आज आप मैच जीत सकते हैं, उसकी प्रबल संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, हेल्थ पर विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना, असहाय को पुस्तक एवं वस्त्र दान करें, चिड़ियों को दाना पानी दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, भावेश में आकर कोई कार्य न करें, आज आपको भारी नुकसान हो सकता है, विद्या एवं वाणी से धन लाभ होने का योग बन रहा है, परिस्थिति अनुकूल है, समय का सदुपयोग करें, शिक्षा के क्षेत्र में धन लाभ होगा, समय अनुकूल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, नौकरी मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य करेंगे, पुस्तक लिख सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं और एकेडमी कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो जो मेहनत करेंगे उसे लाभ मिलेगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने का योग बन रहा है। और आज कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा, अपने मन को थोड़ा नियंत्रण में रखें, बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात आपको बहुत खराब लगती है, सावधानी क्या बरतनी है, आज आपका समय स्वर्णिम चल रहा है, समय का सदुपयोग करें, आलस में अपना समय नष्ट न करें। आज आप क्या करें कि 5 प्रकार का फल मंदिर में दान करें, चिड़ियों को दाना पानी देना न भूलें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन कलर, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। गुरु के नुस्खे में आज आपको बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में है और चंद्रमा से चाहे लग्न से कुंडली आपकी मांगलिक है, विवाह को लेकर के तनाव हो रहा है, दिक्कत हो रही है, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे, आप परेशान हैं, वैवाहिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, संतान भाव में मंगल होने के नाते प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आप अपने को चतुर्दिक संकटों में घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और मॉरली अपने को लो फील कर रहे हैं, तो आप कतई चिंतित ना हो, आप क्या करें कि श्री हनुमान जी की आराधना करें। आराधना कैसे करेंगे, आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, नंबर 1। नंबर 2, आप हवन सामग्री से हनुमान जी के मंत्रों का हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र से आप 24 बार, कम से कम 24 बार हवन करें। और क्या करें कि कोई भी हनुमान जी की मूर्ति ले लें या चित्र ले लें, मूर्ति ले लें छोटा सा अपने घर में रख लें, और उसमें चमेली का तेल ले लें, केसरिया कलर का सिंदूर लें, दोनों को पेस्ट बना लें और हनुमान जी के पैरों में नियमित कम से कम 21 मंगलवार आप लेप करिए, आप देखेंगे कि मंगल ग्रह से संबंधित, शनि की 7.5 से कोई भी परेशानी होगी, आपकी परेशानियां छुम अंतर होगी और आपका उत्तरोत्तर विकास होगा और आप खुश रहेंगे, परेशानी दूर होगी और आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, तो आप इसको जरूर करें, आपके लिए बेहतर होगा। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का, तो हमारे साथ एक दर्शक हैं केतन रामपुर से, इनका जन्म तिथि है 22 अप्रैल 1992, इनका जन्म हुआ है 10:10 रात्रि में रामपुर से, और ये जानना चाहते हैं कि इनकी नौकरी कब लगेगी।
तो देखिए केतन, आपका जो जन्म समय है काफी महत्वपूर्ण है, आपकी ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है और अभी वर्तमान में चंद्रमा चल रहा 8/1/26 तक चलेगा, तो ये मान के चलिए कि 3 जून 2023 से लेकर के और सितंबर 2023 के बीच में आपको नौकरी लगेगी। अगर पहले से आपने एग्जाम दिया है और वेट कर रहे हैं, अगर इधर बीच में रिजल्ट आना है तो आपके पक्ष में आएगा, उसमें आपको साक्षात्कार के लिए बुलावा आ सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है, दशम भाव में गुरु है, अष्टम में केतु है, छठे में सूर्य है, बुध शुक्र आपका पंचम में है, तो ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी, समय अनुकूल है। आप क्या करें कि एक मोती सात रति का पहन लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है तो और फोकस होगी आपके अंदर, कॉन्सेंट्रेशन का भाव है, अपनी आइडियाज बदलते रहते हैं, तो अपनी आइडिया न बदलें, एक टारगेट फिक्स करिए, टारगेट के हिसाब से काम करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। हम बात करते हैं आज के जन्मदिन की। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपको प्रगति करे, आगे बढ़े, आपका चतुर्थिक विकास हो, आपके यश प्रतिष्ठा वैभव सुख समृद्धि में वृद्धि हो, आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, हैप्पी बर्थडे। आज है 9 तारीख, 9 तारीख के जो जन्म जातक होते हैं उनका मूलांक 9 होता है, तो खासतौर से 9, 18, 27 तिथि के जो जन्म जातक होते हैं उनका मूलांक 9 होता है। 9 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, 9 नंबर वाले जो जातक होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, कभी भी किसी परिस्थिति से घबराते नहीं है, और अनुकूलता लिए हो या प्रतिकूलता लिए हो, किसी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें इनको जीना आता है, और प्रतिकूल परिस्थिति को कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए यह आर्ट इनके अंदर आता है। बड़े परफेक्ट होते हैं, तानाशाही प्रवृत्त होती है, और जो सोच लेते हैं वो करके ही मानते हैं। देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफी उत्तम रहेगा, भागोदय होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, आपके पुराने विवाद समाप्त होंगे, गाड़ी खरीद सकते हैं, नौकरी इत्यादि के लिए, कैरियर के लिए यह वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। जनवरी से लेकर जून तक का कालखंड काफी अनुकूलता लिए रहेगा और इसमें समय स्वर्णिम रहेगा, जो प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पुनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक थोड़ा संघर्ष रहेगा, दिक्कतें आएंगी, विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, लगेगा कि परेशानी आ सकती है, लेकिन अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर, अपने ज्ञान पर, आप अपने समय पर काफी ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल लेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि बहुत एग्रेशन में आकर कोई कार्य नहीं करना है, अपनी गोपनीयता बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है और पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी की आराधना करें और लाल वस्तु का दान करें। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। भाग्य गुरु में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।